आज हम बनाएंगे नमक पारे, जो कि मार्केट से भी कई गुना ज्यादा अच्छे बनते हैं। घर पे खस्ता बनते हैं एकदम, बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल जैसे मार्केट में हमारे नमक पारे बनकर मिलते हैं, बहुत ही क्रिस्प बनते हैं ये। तो चलिए फटाफट से इनकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। इधर ये मैंने आधा केजी मैदा ले लिया है। तो मैदे के अंदर हम डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन मैंने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच डाल दिया। इसको इस तरह से क्रश करते हुए डाले तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी घी। मैं इसके अंदर नमक डालना भूल गई थी, मैंने थोड़ी देर के बाद नमक ऐड किया था, तो आप इसमें इस टाइम पर ही नमक ऐड कर ले, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो मैंने इसके अंदर 1/4 कप के करीब मोयन डाला था, तो मैंने अपने अंदाजे से डाला था। तो आपको मैं बताती हूँ हमें इसके अंदर कितना मोयन चाहिए। मोयन डालते वक्त तो आप इसे इस तरह से हाथों से अच्छे से मिला ले, बिल्कुल जिस तरह की हमारी अच्छे से एक मुट्ठी सी बनने लग जाए। तो मैं सबसे पहले से अच्छे से मिला करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस टाइम पे जो हम मुट्ठी बना रहे हैं तो बिल्कुल बिखरी बिखरी सी बन रही है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा 2 से 3 बड़े चम्मच मोयन और डाल देती हूँ। मोयन डालने के बाद हम इसे फिर से अच्छे से मिलाएंगे, जिस तरह से हमने पहले मिलाया था, बिल्कुल अच्छे से हाथों से रब करते हुए मिलाना है, जिससे कि हमारे मैदे के अंदर बिल्कुल परफेक्टली मोयन चला जाए। तो आप आटे को देख कर ही समझ रहे होंगे, देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर हमने मोयन डाल दिया। इस तरह से डालोगे तो आपकी मठरी कभी भी टाइट नहीं होंगी, कड़क नहीं होंगी, बहुत ही अच्छी खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। आप इसकी जगह एक देसी घी भी डाल सकते हो, उससे भी हमारी मठरी बहुत ज्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। मैंने इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाला है, लेकिन आप कोई भी रिफाइंड ऑयल डालें तो वो स्मेल फ्री होना चाहिए, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। सरसों का तेल वगैरह इसके अंदर नहीं डालें। अब हम इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगाकर तैयार कर लेंगे। एकदम मतलब बहुत ज्यादा टाइट नहीं लगाना, बहुत ज्यादा लूज नहीं लगाना, नॉर्मल इसका डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, क्योंकि मैं नमक डालना भूल गई थी इस टाइम पर। तो मैं इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ, जितना कि आप नमक खाते, बहुत ज्यादा नहीं डालें, बस जितना कि टेस्ट के अकॉर्डिंग हो बस उतना ही इसके अंदर नमक डालें। नमक डालने के बाद मैं इसको अच्छे से गूंथ लूंगी। इधर हमने मैदे को अच्छे से गूंथ लिया, आप देख सकते हो कितना टाइट मैंने डो लगाया है। इस तरह से आपको भी इसका डो लगाकर तैयार करना है। अगर आपका डो परफेक्ट होगा, मोयन परफेक्ट होगा, तो आपकी बाट सॉरी आपके नमक पारे कभी भी खराब नहीं बनेंगे। तो मैंने इस तरह से एक कपड़ा लिया है, उसमें मैंने हल्का सा पानी डाला, बहुत ज्यादा नहीं, बस छींटे मारकर पानी डाला, और इसे अब रख देंगे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट के बाद देखिए हमारा आटा बिल्कुल सेमी सॉफ्ट सा हो गया है, ये ना ही तो ज्यादा टाइट है ना ही ज्यादा लूज है, बिल्कुल इस तरह का परफेक्ट हमें इसका डो चाहिए। तो अब हम इसको 2 भागों में बांट लेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा डो है। तो अब इसे मैं अच्छे से इस तरह से गूंथ के और इसकी एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लूंगी। इधर हमने पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया, देखिए बिल्कुल अच्छे से इसका पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया हमने। इस तरह हाथों से प्रेस कर देंगे और उसके बाद हम इसे बेलन की सहायता से बेल लेंगे। मैं इसे थोड़ा चौकोर बेलने की कोशिश कर रही हूँ, अगर नहीं बेलता है तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, हम नाइफ से इसके लिए कट लगा देंगे। तो आप इसे इस तरह से बेल लीजिए, बहुत ही आसानी से बेल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आटा चिपक रहा है तो आप क्या कीजिए, थोड़ी सी उसके नीचे घी लगा दीजिए, उस पर जिस पर भी आप बोर्ड पे या चकले पे बेल रहे हो तो बहुत ही आसानी से बेल जाएगी। तो आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा पतला नहीं रखा है। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें कट लगा दूंगी चौकोर शेप के। ये देखिए जो आटा बच गया साइड में, उसे हम साइड में रख देंगे। बिल्कुल परफेक्टली मैंने इसमें चौकोर वाले शेप वाले कट लगा दिए हैं। अगर आपको लगे थोड़ा सा मोटा है तो आप इस तरह से बेल सकते हो। अब हम इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, क्योंकि हमें नमक पारे बनाने, आप इन्हें लंबा भी कट कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से इन्हें कट कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से चौकोर शेप में कट कर रही हूँ। इधर कट करने के बाद जो भी आपको इसमें छोटे छोटे पीस लगे आप उन्हें हटा सकते हो। आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट इसकी साइज है, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। और आपने देखा मैंने इस बोर्ड पे कुछ भी घी वगैरह नहीं लगाया, फिर भी ये कितनी आसानी से निकल गए। तो हम सबको उठा करके एक थाली के अंदर रख लेंगे और चलते चलिए हमारी गैस की तरफ, जिस पर मैंने पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इधर मैं तेल को चेक कर लेती हूँ कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ है नहीं हुआ। ये देखिए तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म है, जितना गर्म कि हमें चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर ये सारे साथ में डाल देंगे तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। बस इस तरह से हमें तेल को और इन्हें हम बिल्कुल स्लो मीडियम गैस पे सेकेंगे कुछ देर के लिए। मैंने इन्हें डालने के बाद छेड़ा नहीं था, करीब 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इन्हें अच्छे से दोनों साइड से अलट पलट कर सेक लेंगे। गैस को आप स्लो या फिर स्लो मीडियम पर भी रख सकते हो, गैस के टेम्परेचर के ऊपर होता है ये सब कुछ। तो ये देखिए आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी जो नमक पारे हैं फूल गए और उनके अंदर क्रैक्स आ गए हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर जो हमने इसके अंदर मोयन वगैरह डाला था बिल्कुल परफेक्ट डाला था। इससे ये पता चलता है कि नमक पारे अच्छे से खिले खिले बनते हैं, और आप इन्हें खाओगे तो मुंह में बिल्कुल खिल जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। तो मैंने इन्हें अच्छे से एक अच्छा सा कलर आने तक सेक लिया था, आप देख सकते हो कितना प्यारा इन पर कलर आ रहा है। तो अब इन्हें निकाल लेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो हीट होती है उसके बाद ये थोड़ी देर तक अपने आप में कलर चेंज करते हैं। तो
बस इस टाइम पर हम इन्हें निकाल लेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने थे, तो या तो आप इन्हें साइड में इस तरह से करके निकाल ले जिससे कि इनके अंदर जो ऑयल वगैरह है एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। तो मैं सारे नमक पारे एक बार निकाल लेती हूँ। इधर हमने नमक पारों को इस प्लेट में निकाल दिया है, तो आप इनकी आवाज़ सुनिए कितने क्रिस्पी ये बने हैं, बहुत ही यम्मी बनते हैं, एक बार आप जरूर ट्राई करें। तो अब मैं दूसरे वाले बैच को भी फटाफट से बनाकर तैयार कर लेते हैं। जितने आप ये कढ़ाई में एक साथ आ जाए आप उतने डाल सकते हैं उसके अंदर। इधर हमने ये दूसरे वाले बैच को इसके अंदर डाल दिया है, तो ये देखिए ये भी हमारे लगभग आधे बनकर तैयार हो गए हैं। इधर आप देख सकते हो इनका भी कितना प्यारा और कितना अच्छा कलर आ रहा है। और मैं इन्हें साइड में इस तरह से रोकते हुए निकाल लूंगी। ये हमने सभी नमक पारों को निकाल लिया है, इनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही क्रिस्प बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए मैं आपको एक नमक पारा तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपके नमक पारे भी इस तरह से बनकर तैयार होंगे। इधर मैं आपको एक नमक पारा तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए आपको तोड़ने से समझ में आ रहा होगा कि उसके अंदर कितनी प्यारी जाली आई हुई है, तो सोचिए कितने क्रिस्पी अंदर से बने होंगे। ये देखिए सभी नमक पारे हमारे बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए, तो अब हम दूसरे वाले भी इसके अंदर डाल देते हैं। जो हमने ये दूसरा वाला बैच था ये भी गर्म है, तो देखिए कितनी अच्छी इनके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो कितनी अच्छी इनके अंदर से आवाज़ आ रही है, तो आप समझ लीजिए कितने अच्छे हमारे नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। आपको देखा ना कितना ईजी है इन्हें बनाना, आप इन्हें घर पर भी आराम से बना सकते हैं। बच्चे जब भी मांगे आप उन्हें घर में बनाकर दे दीजिए, मार्केट से लाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही कम क्वांटिटी में घर पर बन जाते हैं, मतलब मार्केट से बहुत महंगे मिलते हैं, घर पर बहुत ही आसानी से कम पैसों में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना। जिसको भी मठरी या नमक पारे पसंद हो तो उनको उन फ्रेंड के साथ अपने जरूर शेयर करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यूट्यूब से देख रहे हो या फेसबुक से देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लें। बाय बाय।